हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम यूपी पीसीएसपी 2010 का पेपर एनालाइज कर रहे थे। ऐसे फिर 11, 12, 13 यानी 2024 तक हमें पेपर एनालाइज करना है। और अभी हम 85 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित कर किया है? तो हमारा जवाब हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी अविलंबीय लोक महत्व में विषय पर अध्यक्ष व सभापति की आकृति मनमौजी से सदन को कोई सदस्य मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए लाया जाता है। यह प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है या 1954 में अस्तित्व में है। इस प्रस्ताव से स्थगन प्रस्ताव प्रभावित होता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से कौन सा तो सीमित कर देता है, जिसका क्षेत्र या प्रभावित करता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। 86 नंबर में किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो हम लोग इसका जवाब जानते हैं कि अवकलन समिति जो होता है, इसमें सिर्फ लोकसभा के लोग होते हैं, बाकी राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निम्नलिखित में किसका एक रिट न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू कराया जा सकता है? तो इसका जवाब भी हमारा क्या हो जाएगा, सी प्रतिशोध, प्रतिशोध प्रोहिबिशन। 85 नंबर हमारा 88 नंबर सवाल है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका सब लोग जवाब जानते हैं कि 1993 में। उसके बाद भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो भारत में केरल प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई है, वर्ष 1957 में नमूरीपाद द्वारा स्थापित किया गया था। अब अगला टॉपिक जो हमारा इसी में शुरू हो जाता है वो अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था से हम लोग देखते हैं कि भारतीय, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा बी, सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। अगला सवाल हमारा जो हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो इसका जवाब हम लोग सभी जानते हैं कि वाणिज्य बैंक जो होता है, ये संस्था कृषि और संबंधित क्षेत्र की साख सर्वाधिक प्रदान करती है। तो हमारा वाणिज्य बैंक हो जाएगा।